तो वैसे यहाँ पर ये रहा मेरे पास में Realme 12X 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में कुछ कैमरा के सेटिंग्स बताऊंगा दोस्तों, बेहतरीन सेटिंग्स बताऊंगा आपको बेहतरीन शॉट के लिए। तो आप है ना इस वीडियो को एंड तक देखना, आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने जो कैमरा के सेटिंग्स हैं बहुत ही बेहतरीन सेटिंग्स कर सकते हैं और बेहतरीन शॉट्स ले सकते हैं, फोटोज और वीडियोस। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना अपने कैमरा को बहुत ही तगड़े तरीके से यूज करने के लिए दोस्तों। तो चलिए कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम जैसे कैमरा ऐप को ओपन करते हैं एक एक फीचर मैं आपको जो एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो आप क्या कहेंगे दोस्तों इसको जरूर यूज कर लेना। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है नाइट मोड। ये नाइट मोड होता है दोस्तों रात में फोटोज क्लिक करने के लिए। आपको जब भी रात में फोटोज क्लिक करना हो तो आपको आना होगा इस नाइट मोड में। यहाँ से आप बेहतरीन शॉट्स ले सकते हैं नाइट मोड में रहकर। आप इस पर क्लिक करके इसकी लाइटिंग को थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर है वहां पर बहुत ही अंधेरा है तो आप इसको थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं इसकी लाइटिंग को। और आप ऐसी जगह पर वहां पर ऑलरेडी लाइटिंग बहुत है रात में ही, लेकिन लाइटिंग बहुत है तो आप टैप करके इसके ऊपर थोड़ा लाइटिंग को कम कर सकते हैं। ये आप अपने लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर 1x 2x में आप यहाँ पर ले सकते हैं नाइट मोड में फोटोज। इसके अलावा आप यहाँ पर जूम करना चाहे मैनुअल तो आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं 10x तक जूम कर सकते हैं। तो चलिए ये होगा। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स मिलते हैं। जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो फिल्टर लगाकर आप इसमें क्या बोलते हैं इसको फोटो ले सकते हैं। इसके अलावा इस थ्री लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो जो फोटो आप ले रहे हैं वो फोटो के साइज को आप रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोटो के साइज को रीसाइज कर लेना, जो आपका फोटो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आप जैसा फोटो लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर लेना। इसके बाद 3S 10S टाइमर भी आपको यहाँ पर मिलता है। आपने 3S कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त में इस तरह से 3 सेकंड्स का टाइम आएगा। 3 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर ये देख लीजिए ये कब यूज होता है, आप अकेले हैं फोटो लेने वाला कोई भी नहीं है या आप ग्रुप के साथ फोटो लेना चाहते हैं तो उस वक्त यहाँ पर ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है टाइमर। उस वक्त आप इसको यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम आपकी मर्जी। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्ट्रीट मोड भी मिलता है। आप इसमें 26mm और 52mm में ले सकते हैं। आप जूम करना चाहे तो आप यहाँ पर 260mm तक आप जूम करके आप यहाँ पर इसमें फोटोज ले सकते हैं। यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर आपको इसमें मिलता है। आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन करेंगे तो फोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। आप ऑटो पर सेट करेंगे तो रात में फोटोज क्लिक करते वक्त उतना ही फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। ऑन करेंगे तो रात हो दिन हो जब भी आप फोटो लेते हैं फोटो क्लिक करते वक्त में फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर आप इसको ऑफ करेंगे तो जब तक आप ऑन नहीं करते तब तक ऑन नहीं होगी फ्लैशलाइट। तो चलिए ये होगा। उसके बाद ए बोलकर जो लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको ऑटो फोकस मैनुअल फोकस कर सकते हैं। ए मतलब ऑटो फोकस, ऑटोमेटिक फोकस होगा। जहां पर भी कैमरा लेकर जाएंगे वहां पर ऑटोमेटिक वो फोकस होता है। आप मैनुअल फोकस पर इसको एम मतलब मैनुअल फोकस मतलब आपको इस तरह से टैप करके फोकस करना होगा। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये हो गया। और यहाँ पर थ्री लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो वही टाइमर और फोटो का साइज रीसाइज इसमें भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर आपको इसमें भी फिल्टर्स मिलते हैं। जो फिल्टर आपको अच्छा लगे इसमें तो कुछ ज्यादा फिल्टर्स हैं इसमें, आपको इनमें से जो फिल्टर अच्छा लगता है वो फिल्टर लगाकर आप फोटो यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। तो ये होगा स्ट्रीट मोड। तो चलिए अब यहाँ पर इसमें भी लाइटिंग को आपको ज्यादा कम कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। ये होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो मोड मिलता है आपको। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आना होगा इस वीडियो मोड में। यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर जूम करना चाहे तो आप इसमें 10x तक जूम करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर इसमें भी इसकी लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। आप इस पर क्लिक करके इसमें 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 फ्रेम रेट को सेट करके। 1080p है और 720p है, मतलब 1080p और 30 फ्रेम रेट का मतलब आपको मैं बताऊँगा, मतलब एक सेकेंड में 30 फोटो निकालेगा वो वीडियो। मतलब वीडियो का मतलब ऐसा होता है कि एक सेकेंड में 30 फोटो होते हैं। 30 फ्रेम रेट को आप सेट करेंगे तो वो 30 फोटो को मिलाकर एक वीडियो बनता है, मतलब एक सेकंड का वीडियो बनता है। तो ऐसा होता है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये क्वालिटी रेजुलेशन होता है 1080p और ये फ्रेम रेट होता है 30fps बोलकर। तो चलिए ये होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमको आना होगा फिल्टर्स। यहाँ पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त भी कुछ फिल्टर लगाकर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में रिटच कर सकते हैं। मतलब रिटच करने के लिए आपको यहाँ पर बस 1080p में आप रिटच नहीं कर सकते, 720p आपको रखना होगा। 720p में आप अपने फेस को ब्यूटी करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये हो गया।
और यहाँ पर आप क्लिक करके कितना ब्यूटी होना चाहिए, ज़्यादा ब्यूटी होना चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम होना चाहिए तो कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके देखें तो डायरेक्ट इस सेटिंग में आ रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ्लैशलाइट का फीचर है, एक बार क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाता है, एक बार क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले ही। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है फोटो मोड। ये फोटो मोड है दोस्तों नॉर्मल मोड है, इसमें आप एनी टाइम फोटो ले सकते हैं, रात हो दिन हो आप जब भी फोटो लेना चाहें तो आना होगा इस फोटो मोड में, यहां से आप फोटोज को ले सकते हैं दोस्तों। यहां पर ज़ूम करना चाहे आप तो इसमें भी आप यहां पर 10x तक ज़ूम करके फोटोज ले सकते हैं। इसके बाद आप इसमें फिल्टर्स भी लगा सकते हैं जो फिल्टर अच्छा लगे आपको, और इसके अलावा यहां पर आप इस पर क्लिक करके रीटच भी कर सकते हैं, मतलब अपने फेस को ब्यूटी करके आप फोटोज ले सकते हैं इसमें। इसके ऊपर टैप करके लाइटिंग को ज्यादा कम इसमें भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर इसमें भी आपको मिलता है। ये सारे फीचर्स आपको मैं फ्लैशलाइट के एक्सप्लेन करके पहले से ही बता चुका हूँ। यहाँ पर थ्री लेन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो के साइज को रिसाइज कर सकते हैं, टाइमर यूज कर सकते हैं, HDR को ऑन रहने देना बेहतरीन शॉट्स के लिए दोस्तों। तो चलिए ये होगा, और उसके बाद नेक्स्ट आपको आना है पोर्ट्रेट मोड में। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज ले सकते हैं। आप यहाँ पर इसमें भी टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं, त्रिलेन पर क्लिक करके टाइमर सेट कर सकते हैं और फिल्टर्स यूज कर सकते हैं इसमें भी आप। इसके अलावा अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर F बोलकर जो लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर आप जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है, आप अपर्चर को ज़्यादा करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है, तो ये उल्टा होता है दोस्तों, आप इसको समझ लीजिए। तो चलिए ये हो गया पोर्ट्रेट मोड, इसके में आप कोई जूम वगैरह नहीं कर सकते इस पोर्ट्रेट मोड में। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मोड में। मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर प्रो मोड मिलता है। इस प्रो मोड में आप आकर DSLR कैमरा के कुछ सेटिंग्स करके फोटोज ले सकते हैं। यहाँ पर ISO दोस्तों, यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ISO को। यहाँ पर शटर स्पीड होता है, शटर स्पीड मतलब आप रनिंग में फोटो ले रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा करना, और आप खड़े होकर फोटो ले रहे हैं तो आप इसको मिनिमम मतलब कम वगैरह कर सकते हैं। आप ज़्यादा करेंगे तो आपको रनिंग में क्या बोलते हैं इसको फोटो लेना होगा। तो चलिए ये हो गया, और इसके बाद आप इसको डिफॉल्ट भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। EV मतलब इसमें भी आप लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको आप कर सकते हैं EV को। यहाँ पर लाइटिंग आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर यह ऑटो फोकस मैनुअल फोकस आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर भी आप ऑटो फोकस मैनुअल फोकस इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर वाइट बैलेंस, ये वाइट बैलेंस क्या करता है, ये थोड़ा आपके नेचर को चेंज करता है, मतलब थोड़ा ये कलर को चेंज करता है। ये देख लीजिए यहाँ पर वाइट बैलेंस में आप यहाँ पर कलर चेंज करना चाहे थोड़ा तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा कम इसमें आप नहीं कर सकते, और जूम करना चाहे आप तो इसमें आप 10x तक जूम कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करके आप फोटो के साइज को रिसाइज, टाइमर और इंस्टाग्राम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा फोकस पिकिंग पर आप मतलब इसको सेट करके आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देख लीजिए। और यहाँ पर ये इंस्टाग्राम है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कलर्स वगैरह इसके। इसके बाद यहाँ पर और कुछ खास नहीं है, यहाँ पर हम JPG आप करना चाहे या रॉ फोटो लेना चाहे वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। फ्लैशलाइट का फीचर है, आप यहाँ पर ये सारे फीचर्स इसमें भी यूज़ कर सकते हैं फ्लैशलाइट के, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो चलिए वापस से मोड में आते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर पियानो मिलता है, मतलब मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो इस पियानो पर क्लिक करके मतलब इस पियानो मोड में आके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरा प्लेस को बता देना है तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है दोस्तों। तो चलिए वापस से मोड में आने के बाद आप हाई रेस में भी फोटोज ले सकते हैं, मतलब जो मेन कैमरा है पीछे प्राइमरी कैमरा उससे फोटो क्लिक होता है 50 मेगापिक्सल से। इस मोड में आप आकर फोटो लेंगे तो जूम नहीं कर सकते, मतलब इसके लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं, फ्लैशलाइट का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर टाइमर भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं हाई रेस मोड में दोस्तों। तो चलिए वापस से मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर फिल्म मोड भी मिलता है। DSLR कैमरा के कुछ सेटिंग्स करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर आपको मैं पहले ही सारे फीचर्स एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, वो सारे फीचर्स आप यहाँ पर प्रो मोड में जो थे वो सारे फीचर्स इसमें भी आप सेट करके वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वापस मोड में आने के बाद आप यहाँ पर स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आपको इसमें आना होगा, स्लोमो के यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वापस मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइम लैप्स मिलता है, डुअल व्यू वीडियो मतलब फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से आप एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये बैक कैमरा है और ये फ्रंट कैमरा है दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पर ये करना चाहिए कर सकते हैं। और इसके अलावा मोड में आने के बाद टेक्स्ट स्कैनर PDF बनाने के लिए ये होता है, बाकी कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर फोटो मोड में आते हैं। फोटो मोड में आके त्रिलेन पर क्लिक करके हम आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर वाटरमार्क मिलता है, यहाँ से आप वाटरमार्क को ऑन कर सकते हैं, फ्रेम वाटरमार्क को। यहाँ पर एक तरह से फ्रेम आएगा, इसमें अपना रियल मतलब मॉडल बताएगा और किस मोड में आपने फोटो लिया है वो बताएगा, और फ्रेम कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं या
आप व्हाइट भी कर सकते हैं, नीचे जो फ्रेम है वो फ्रेम के कलर को। ये हो गया। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके इसको भी ऑन कर सकते हैं, एड वाटरमार्क टू फोटोज वीडियोस, और यहाँ पर फोटोज एंड वीडियोस दोनों के लिए। आप वाटरमार्क फोटोज के लिए इतना ही चाहते हैं तो इसको सेट कर सकते हैं, वीडियोस के लिए इतना ही चाहिए तो इसको सेट कर सकते हैं, फोटोज और वीडियोस दोनों के लिए चाहते हैं तो इसको सेट कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पर फोटोज को इतना ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और डिवाइस मॉडल, मतलब कौन से फोन में आपने फोटो क्लिक किया है वो इस तरह से ऊपर बताना चाहिए, तो हम डिवाइस मॉडल को ऑन रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन को हम ऑन करेंगे, तो किस लोकेशन में रहकर आप इसको सेट कर लेना, इंटरनेट से आप इसको सेट कर लिया तो किस लोकेशन में आपने फोटो क्लिक किया है वो लोकेशन भी बताएगा। और यहाँ पर डेट एंड टाइम भी है, इसको हम ऑन करेंगे तो किस डेट पर किस टाइम पर आपने फोटो क्लिक किया है वो भी यहाँ पर आपको बताएगा। दोस्तों यहाँ पर कस्टमाइज टेक्स्ट, मतलब अपना जो भी आप नाम लिखना चाहे आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो आप अपनी मर्जी के हिसाब से लिख लेना, यहाँ पर अपना नाम भी बताएगा दोस्तों। तो चलिए ये रहा। और फॉन्ट साइज, मतलब जो बताता है वाटरमार्क, इसको आप स्मॉल करना चाहे छोटा वो भी आप कर सकते हैं, बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं, और किस प्लेस पर बताना चाहिए वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। बॉटम लेफ्ट ये ठीक रहेगा, इधर ये देख सकते हैं, इस तरह से आप वाटरमार्क को कस्टमाइज कर सकते हैं। बैक आने के बाद ग्रिड एंड गाइड्स, मतलब यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइन्स बताएंगे, तो यहाँ पर ग्रिड करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन्स बताएंगे, उन लाइन्स से आप बस इतना कैमरा को देखने में फर्क आएगा, क्वालिटी वगैरह में कुछ फर्क नहीं आएगा। वापस से सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लेवल, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप अपने फोन को कितना सीधा पकड़ा है वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक लकीर दिख रही है ना आपको, वो लकीर की मदद से आप अपने फोन को कितना सीधा पकड़ा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो लेवल चेक कर सकते हैं आप अपने फोन का। और वापस से सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद शूटर साउंड, मतलब फोटो क्लिक करते वक्त साउंड नहीं आना चाहिए तो हम इस शूटर साउंड को ऑफ करेंगे, आना चाहिए तो हम इसको ऑन करेंगे। और मिरर सेल्फी को हम ऑफ करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप इस एंगल से सेल्फी लेंगे तो वो मिरर होकर आपने इस एंगल से सेल्फी लिया है बोलकर बताएगा, इसलिए यहाँ पर मैं ऑफ करता हूँ। अगर आपको ऑन करके यूज करना है तो आपकी मर्जी के हिसाब से इसको ऑन करके यूज कर सकते हैं। नीचे आने के बाद शूटिंग मेथड्स में आपको आना है। उसके बाद टैप टू कैप्चर को हम ऑन करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके स्क्रीन पर कहीं भी टैप करेंगे तो फोटो क्लिक होता है। और शो पान को हम ऑन करेंगे तो सेल्फी कैमरा ओपन करके, आपको बताता हूँ टैप टू कैप्चर का मतलब, टैप करेंगे तो फोटो क्लिक हो चुका है। और शो पान का मतलब फ्रंट कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो भी फोटो क्लिक हो जाता है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। शो पाल्म और टैप टू कैप्चर का मतलब ये है, वो ये काम करते हैं दोस्तों। चलिए वापस से थ्री लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आते हैं, और आते हैं नीचे, आपको इस सेटिंग को भी ऑन कर लेना है। और वॉल्यूम बटन एक्शन है, यहाँ पर आप वॉल्यूम पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। शूटर पर सेट करेंगे तो फोटो क्लिक होगा। जूम पर सेट करेंगे तो जूम होगा दोस्तों। क्विक लॉन्च को हम ऑन करेंगे तो आप इसको भी सेट करना होगा दोस्तों। आप इसको सेट करके क्विक लॉन्च से आप क्या करेंगे, इसको क्विक लॉन्च को हम ऑन करेंगे तो मतलब लॉक करके वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर दो बार प्रेस करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। तो ये थे दोस्तों इसी Realme 12X 5G स्मार्टफोन के कुछ कैमरा के सेटिंग्स। आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स, तो आपको रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक करके एक और बार रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक कर देना है तो जैसे नया फोन लेने के बाद में जैसे सेटिंग्स थी सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे। एक और बार ये वीडियो देखकर आप एक और बार ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इसी स्मार्टफोन के इसी तरह के आपको 60 से ज्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना है, ये तो बस कैमरा के सेटिंग्स वाला था वीडियो। आप पूरे फोन की सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जरूर जाकर देख लेना दोस्तों। अपने स्मार्टफोन को बहुत ही तगड़े तरीके से यूज करने के लिए, पूरे स्मार्टफोन को तगड़े तरीके से यूज करने के लिए तो जरूर जाकर देख लेना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।